जब नुसरत फतेह अली खान साहब का देहांत हुआ तब हम लोगों ने पेपर में पढ़ा था कि हंस पाजी को अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने फेलोशिप दिया है और वहां पे जाके अंग्रेजों को वहां के जो फॉरेनर्स हैं उनको आप इंडियन क्लासिकल सिखाओ. तो पाजी कितना मुश्किल होता था क्योंकि जहां तक मुझे पता है इंग्लिश आपकी भी मेरे जैसी है. तो पाजी उनको आप जब सिखाते थे इंडियन क्लासिकल तो प्रॉब्लम नहीं होती थी आपको? बस दो चार लाइनें रट ली थी. अच्छा जी. शुरू में क्या, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय स्पेशल ग्रेटिट्यूड मिस्टर प्रेसिडेंट. ओके. नाउ आई एम सिंगिंग राग मालकोस. तो बस सा शुरू किया, तीन साल सा ही नहीं खत्म हुआ. फिर मैं इंग्लिश नहीं बोलता था. वो कहते थे बंदा देखो धुन का कितना पक्का है, खामोश रहता है सिर्फ अलाप कराता है. तो मजबूरी यही थी कि पढ़ने लिखने के वक्त पढ़ ही ना सके. और ऐसी बात नहीं पाजी, जब फिर वो शुरू होते हैं ना दूसरा, मतलब सरकास्टिक भी थोड़ा सा किसी को समझाना होता है. ले, जैसे हम तारीफ करके अपने नाल मिलाया भी मैं ना कहा मैं हूं शुरू हुआ. जब जज बैठते हैं ना पाजी के साथ, एक बार मुझे जज बैठने का मौका मिला तो किसी ने गाया रियलिटी शो में, म्यूजिक शो में. हाँ म्यूजिक शो में. तो बहुत बहुत बुरा गाया उसने. तो पाजी अब उसको बुरा तो बोलना नहीं चाहते, कहते बेटे तेरे बाप का क्या काम है? तो उसने बोला हमारी फैक्ट्री है जी. तो बेटे वहाँ आदमियों की जरूरत नहीं होती? जस्सी पाजी की बहुत सारी स्टोरीज हैं. अभी मेरे पास भी बहुत सारी स्टोरीज हैं. हमेशा फील करते हैं कि अभी देखो कपड़े, हमेशा इनको लगता है ये स्टार है और फील करते रहते हैं हमेशा. और बिहेव भी ऐसे करते हैं, बैठना भी जैसे देखो हमें बैठना नहीं आता जितना ये बैठा. हम थोड़ा लल्लू लगते हैं जैसे. लगते नहीं आप हो. मैं पाजी आप नहीं हो. आप अच्छा हो गया आपने अलग वाली कुर्सी ले ली. तो ये नया नया पहली बार फाइव स्टार में ठहरा था. तो वहां पे इसने मुझे बोला कि यार, क्योंकि जब भी हम जैसे आज कपिल ने हमें बुलाया तो खाना कपिल का ही होता ना सारा. जो भी चिकन कोरमा या जो भी हम उड़ाते हैं वो फाइव स्टार में, मतलब कपिल के नाम बिल फटेगा आज. तो वैसे इसको किसी ने बुला लिया होगा. मुझे बोलता चल तू डिनर पे आ जा. मैं कहा चलो यार मैं आ जाता हूँ. 11 की जगह 11:30 हो गया. तो अब देख जैसे सुपर स्टार बैठे मन में, बोलते यार अभी तो मेरा सोने का टाइम हो गया. मैं कह यार 11 और 11:30 अगर मैं 11 बजे भी आता तो 12 बजे तो हम खाना खाते. नहीं नहीं यार हुन मेरा सोने का टाइम हो गया ते मिके गुड नाइट सीधा ही. और अभी तो मैं थोड़ा सा 10% पागल हूँ, पहले तो मैं 150% था. अब मेरा पारा पूरा हाई कि यार ये अपने आप को समझता क्या यार, अपना बोला एक ही तो गाना इसका चला है 20 साल में एक गाना चला. मुझे बहुत गुस्सा. तो मैंने पूरा जो होटल का फ्लोर था, मुझे ये था कि इस फ्लोर पे है, होटल वाले बता नहीं रहे कि कौन सा रूम है. मैंने पूरा फ्लोर खड़का दिया जहाँ एक एक सब जगह लादे मार मार के किधर है जैसी बाहर निकल पा रहे हैं. बहुत गुस्सा था मुझे. ओह माय गॉड. तो इसमें इतने में एक शख्स की बड़ी स्वीट सी आवाज आती है कि आप किसको ढूंढ रहे हो? मैं कहा यार थे जस्सी को मैं ढूंढ रहा हूँ. कहता वो जो सामने रूम है ना वो जस्सी का है. तो मैं उसे देख रहे ना. हाँ और वो जो बंदा है वो आया नहीं है, उधर से देख रहा है शेज में से ना दरवाजे में से. और मैंने वहीं पे ठा ठा बहुत लाते मारे. इसने दरवाजा खोला नहीं. हाँ. 3 साल बाद जाके ना मुझे हंस पाजी ने बताया कि वो जो दरवाजे में बताने वाले शख्स थे वो हंस पाजी थे. वाह वाह वाह. और मजेदार बात ये है कि इसमें 1% भी झूठ नहीं है.